जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि सरकार बाढ़ की समस्या के अस्थायी समाधान पर कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस बार भारी बारिश हुई जिससे कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। अभी तक कहीं भी तटबंध को कोई खतरा नहीं पहुंचा है। यह भी कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा कर रहे हैं। मौके पर मंत्री संजय झा ने राष्ट्रीय जनता दल में चल रहे अंतःकलह मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से कतराते नजर आए। दरअसल मंत्री जी तिरहुत तटबंध का निरीक्षण करने निकले थे। इसी दौरान हाजीपुर में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ये सारी बातें कही। सारा इन्वेस्टमेंट बनाई है, लेकिन बस आगे से लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हम लोग कितनी बार बोले हैं वो सारा लड़ाई का उद्यम नेपाल में उसके लिए बात कर रही है। और इसके अंदर जितना आप देख रहे हैं इतना बारिश हुआ इस बार हो ही रहा है, लेकिन कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि कहीं बाढ़ टूट जाए या कोई किसी का मृत्यु हो जाए, कोई बहुत बड़ा डैमेज हो। बारिश तो दुनिया भर में होती है, बाढ़ दुनिया भर में आता है, बिहार में तो नहीं आता ऐसे कितना मुंबई में बाढ़ है। लेकिन खुद मुख्यमंत्री सब जगह निकल कर के आज भी निकल रहा है, समस्तीपुर खुद भी सब जगह निकल कर चीज को मॉनिटर कर रहा है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर भी काम कर रहा है। सर एक सवाल और, जगदानंद बाबू और तेज प्रताप इसमें के पर जुबानी जंग चल, इस पर क्या कहना है सर? देवेश बाबू सर,